योग गुरु बाबा रामदेव आज शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों पर नाराजगी जताई और इसके साथ ही काशी को पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बताया। बाबा रामदेव ने काशी के बारे में बताते हुए कहा कि काशी एक शाश्वत नगरी है। यह अनादि और अनंत शिव की उपासना का एक महातीर्थ है। विद्या और मोक्ष की नगरी काशी है। इसमें दिव्यता तो युगों युगों से थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसमें भव्यता और दे दी। अब ये पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी है। भारतीय संस्कृति का केंद्र और महातीर्थ काशी स्वास्थ्य के साथ साथ धर्म ज्ञान और सबसे बड़ा सनातन धर्म का एक मर्म है। काशी एक शाश्वत नगरी है। ये अनादि और अनंत शिव की उपासना का एक महातीर्थ है। विद्या वैदुष्य की नगरी है और ये मोक्ष नगरी है। इसमें दिव्यता तो युगों युगों से थी, मोदी जी ने इसमें भव्यता और दे दी है और अब पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बनी है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का यह महातीर्थ काशी अपने पूरे वैभव के साथ अब पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बना है। हेल्थ टूरिज्म, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म और सबसे बड़ा जो कल्चरल टूरिज्म है, सनातन धर्म का मर्म काशी में। वहीं बिहार के मंत्री के आपत्तिजनक बयान, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की है, इस पर नाराजगी जताते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, उन सब का 2024 में मोक्ष होने वाला है। जो सनातन को गाली दे रहे हैं, उन सब का 2024 में मोक्ष होने वाला है।